मैं बे औलाद थी शौहर अपनी बहन का बेटा अपने घर में ले आया क्योंकि वो यतीम था शोहर बैरूने मुल्क में रहते थे और मैं और नंद का बेटा अकेले घर में एक दिन डॉक्टर ने कहा कि मैं हामला हूँ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवाकर सो गई सुबह उठकर कैमरे में देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि नंद के बेटे ने मेरे शोहर बैरूने मुल्क में नौकरी करते थे और मैं पाकिस्तान में अकेली रहती थी मुझे तन्हाई का एहसास हरगिज ना होता अगर मेरी औलाद होती तो मेरी शादी को छह साल बीत गए थे लेकिन मैं औलाद की नेमत से महरूम थी इस बार कामरान नून मुल्क से लौट कर तो कुछ दिन बाद ही हमारे साथ एक ऐसा सानहा पेश आ गया जिसने हमारी सूझ बूझ ही गुम कर दी थी मेरे मियाँ की एक ही बहन थी जो उनसे बड़ी थी उसकी शादी मेरी शादी से आठ साल पहले हुई थी उसका बस एक ही बेटा था जो चौदह बरस का था मेरे मियाँ की पाकिस्तान में आमद का सुनकर वो हमसे मिलने अपने गांव से बाय रोड पिंडी आ रही थी क्या अचानक उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई ये खबर ऐसी थी कि हम पर कयामत बनकर टूटी थी जब तक हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे मेरी नंद और नंदोई वफात पा चुके थे उनका बेटा जिंदा बच गया था लेकिन उसे चोटें आई थी मेरे मियाँ के वाले पहले ही वफात पा चुके थे बस एक बहन ही थी और वो भी वफात पा चुकी थी मेरे शौहर तो चुप से हो गए थे बहुत बड़ा सदमा था जो हमें मिला था मैं खुद बहुत रंजीदा थी फिर रामिस भी गुमसुम सा हो चुका था उस बेचारे के तो माँ बाप दोनों ही उससे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे मैं कभी उससे दिलासा देती तो कभी अपने शौहर को एक महीना हमारा इसी गम में गुजरा था रामिस का हमारे अलावा और कोई ना था इसीलिए मेरे शौहर ने अपने भांजे का स्कूल का दाखिला पिंडी में ही करवा दिया था वो नवी जमात का तालब इलम था मेरे शौहर एक महीने बाद ही वापस परदेश लौट कर। और मैं और रामिस अकेले ही घर पर होते थे वो बहुत उदास रहता था मेरी कोशिश होती कि मैं उसे उस गम से बाहर निकालूं, लेकिन मैं जब भी उससे बात करती तो वो मुझे ठीक से जवाब नहीं देता था उसका रवैया मुझसे न जाने क्यों उखड़ा उखड़ा सा रहता था हालांकि मेरी कोशिश ये होती थी कि वो मुझसे बातें किया करे मुझे अपनी माँ समझे चलो इस बहाने मेरी ममता की कमी भी पूरी हो जाएगी लेकिन रामेश तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था जब वो मुझसे खींचा खींचा रहता है तो मैंने भी उससे बात करनी छोड़ दी थी एक बार मैं उसके कमरे में उससे खाने का पूछने गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था मुझे देखकर उसने फौरन से फोन बंद कर दिया जब मैंने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे तो कहने लगा अपने दोस्त से वो यूं घबरा रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो मैंने कहा आकर खाना खा लो वो ना जाने क्यों मुझसे अपना मोबाइल छुपा रहा था मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा मैं अब उसकी टोह में लग गई थी लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये इकदाम मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा मैंने रात को रामिस के कमरे में गई वो सो रहा था उसका मोबाइल ऑन करके देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई वहाँ गैर इखलाकी किस्म की तस्वीर और वीडियोस थी जो शायद वो देखता था मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस सा हुआ उस पर गुस्सा भी बहुत आया कि उसे शर्म नहीं आती ये सब देखते हुए मैंने उसका मोबाइल लिया और अपने कमरे में रख लिया अगले रोज रामिस खासा परेशान था शायद अपना मोबाइल ढूंढ रहा था शाम को मुझसे पूछने लगा आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है ये सुनकर तो मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया मैंने कहा तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और जिस किस्म की तुम वीडियोस और तस्वीर देखते हो भूल जाओ कि मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दूंगी मेरे सख्त लहजे पर वो मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगा मैंने उसे मजीद डांट दिया कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामू से लगा दूंगी वो मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं बोला लेकिन मुझे जिन नजरों से देख रहा था लगता था कि मार ही डालेगा वो मुझे आंखें फाड़े घूर रहा था था बड़ा बेखौफ सांदास था उसका मैं कुछ तजब का शिकार हो गई थी लेकिन मैंने उसके सामने जाहिर नहीं किया वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया अब तो उसने एक नया तमाशा सा पकड़ लिया था रात के खाने के बाद वो घर से बाहर चला जाता और फिर रात को देर से घर आता जब मैं वजह पूछती तो बिना जवाब दिए ही अपने कमरे से बाहर चला जाता मुझे उसके इंतजार में देर तक जागना पड़ता था बात यहीं तक महदूद नहीं थी वो तो मुझे हद दर्जा परेशान करने लगा था सुबह स्कूल जाते हुए अपना पूरा कमरा बखेर के जाता हर वक्त कोई ना कोई बखेड़ा मेरे लिए डाले रखता था मैं खाना बनाती तो वो हर खाने में नुक्स निकालता रहता कहता अजीब सा बना है मुझे नहीं ये अच्छा लगता मुझे कुछ और बना कर दे मैं तो उसकी हरकतों से जिद होने लगी थी मैं अगर कभी उसे बाजार जाने का कह देती कि सौदा सलफ ला दो तो साफ इनकार कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा मैं तो रामेश की हरकतों से तंग सी आ गई थी अजीब लड़का था जिद्दी और अड़ियल किस्म का मेरी बात मानना तो दरकिनार वो सुनना भी गवारा नहीं करता था और एक बात की तो हद हो गई थी मैं रात को नींद से जागी थी प्यास की वजह से मेरा हलक खुश्क था जब मैं पानी पीने बाहर लाउंज में आई तो रामेश टीवी पर लगाए बेहूदा सी अंग्रेजी फिल्म म्यूट करके देख रहा था साथ में सिगरेट पी रहा था उसे शायद मेरे कमरे से बाहर आने की उम्मीद न थी इसीलिए बेफिकर था लेकिन मुझे देखकर एकदम सा नर्वस से होकर खड़ा हो गया सिगरेट वाला हाथ अपने पीछे छुपा गया लेकिन मैं सब देख चुकी थी मेरे तो तलवों पर लगी और सर पर जाकर बुझी ये लड़का तो बिगड़ता ही जा रहा था मैं उसके पास गुस्से से आई मैंने कहा अपना हाथ आगे करो क्या है तुम्हारे हाथ में वो भी गूंगा बना ढीटों की तरह मुझे घूर रहा था मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और उसके हाथ से सिगरेट छीन कर जमीन पर फेंक कर बुझा दी फिर रिमोट से टीवी ऑफ किया लेकिन मुझ पर तो हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब रामेश ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और गुस्से से सुर्ख होती आंखों से बोला आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ मैं तो रामिस को देखकर हैरत के समंदर में गोताजन हुई थी इस कदर बदले हाज और बदतमीज लड़का था वो मुझे बड़े गुस्से से ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया मैं इस कदर गुस्से में थी कि जब्त करने से मेरे आंसू बहने लगे मैं तो उसे बेटा समझकर उसके सारे काम कर रही थी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी पिंडी के सबसे अच्छे स्कूल में उसे दाखिल करवाया था उसकी हर फरमाइश पूरी कर रही थी लेकिन उस लड़के की तो अक्डी खत्म नहीं हो रही थी मैंने अपने कमरे में आकर कामरान से फोन पर बात की मैंने राम इसकी सारी हरकतें बदतमीजियां उसे बता दी वो कहने लगे कि तुम मेरी कल उससे बात करवाते न मैंने कहा कि अगर रामेश ने यही रवैया रखना है तो उसका इंतजाम कहीं और करवा दे कामरान ने कहा कि वो उसे खुद समझाएंगे और मुझ पर भी गुस्सा करने लगे कि मैं दोबारा ये बात सोचूं भी नहीं कि वो रामेश को कभी अलग करेंगे मैंने सोचा कि अपना भांजा है तो कामरान उसी का साथ देंगे मैंने कहा कि आप उसे समझाएं कि वो दोबारा मुझसे बदतमीजी ना करे अगले रोज मैंने कामरान को फोन किया और रामिस के कमरे में आ गए। वो बेड पर ही बैठा था मुझे गुस्से से घूरने लगा मैंने फोन उसके हाथ में दिया और कहा कि करो अपने मामू से बात यह कह कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई किचन में जाकर खाना बनाने लगी पंद्रह बीस मिनट बाद वो किचन में आया मेरा फोन मेरे सामने शेल्फ पर रख दिया उसकी आंखें अब भी लाल थी नाक भी लाल थी आंखों में नमी भी थी ऐसा लग रहा था कि खूब रोया हो मैंने दिल में सोचा कि रो धोकर इसने कामरान से मेरी ही बुराइयां की होंगी और कामरान को भी अब यही सच्चा लगेगा लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब वो धीमे से बोला कि मुमानी मुझे माफ करते मैं आइंदा आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा आई एम सॉरी ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया कुछ देर तो उसे मैं हैरत और ताजुब से देखने लगी मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि रामेश मुझसे एक्सक्यूज करेगा मैंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया रामेश ने बड़ी तमीज से खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने बर्तन किचन में ले जाकर खुद धोने लगा मैं तो परेशान सी हो गई ऐसा भी कामरान ने उसे क्या कह दिया था कि वो तो एकदम तीर की मानन सीधा हो गया था दूसरी हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब शाम के वक्त वो मुझसे पूछने लगा कि मोमानी मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दे मुझे खुशगवार सी हैरत हुई क्या अच्छा है जो वो सुधर गया है मैंने रात को उसकी पसंद की बिरयानी बनाई ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए मुझे कौन सा उससे कोई अदावत थी मैं तो बस ये चाहती थी कि वो उल्टे सीधे नशे और गलत कार्य का शिकार ना हो जाए अब रामिस मेरे साथ हल्की फुल्की बात कर लेता था अगर उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो मुझसे पूछ भी लेता था मेरा रवैया भी उसके साथ बेहतर होता चला गया सब कुछ ठीक चल रहा था कि जब वो रात को मेरे लिए एक जूस लेकर आया कहने लगा ये मैं आपके लिए लाया हूँ आप पियेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा मैंने भी खुश दिली का मुजाहरा किया और वो जूस पी लिया चूंकि वो जूस मैंने सोने से कुछ देर ही पहले पिया था इसीलिए मैं लेट कर सो गई सुबह जब मेरी आंख खुली तो नौ बज रहे थे मुझे खुद पर हैरत हुई मैं कैसे इतनी देर सो गई फिर मुझे ख्याल आया कि रामेश तो अब तक स्कूल के लिए नहीं जागता जब तक मैं उसे ना उठा दूं इसीलिए मैं उसके कमरे में चली गई लेकिन वो कमरे में नहीं था उसका स्कूल बैग भी वहां मौजूद नहीं था कमरे के बिखरे हुए से लग रहा था कि वो स्कूल जा चुका है मैंने शुक्र किया कि चलो ये लड़का कुछ तो जिम्मेदार हुआ लेकिन आज जब वो स्कूल से वापस आया तो बड़े खुशगवार मूड में था खाने के दौरान मुझसे बातें भी करने लगा न जाने क्यों वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था जब मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगा आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ हैरत सी हुई आज तक तो उसने कभी मेरी यूं तारीफ नहीं की थी मैंने कहा खैर तो है मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगने लगी हूँ तो मुझसे बहुत बहुत एतराजात होते थे मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा कहने लगा बस ऐसे ही तब आप अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अब बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी है मैंने बात मजाक में डाल दी थी लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे रामिस की नजरें कुछ चुभने लगी थी ना जाने उसे क्या हो गया था वो मुझे टिक टिकी बांदे देखने लगा था मैं पहले तो उसकी नजरों को नजरअंदाज करती रही क्योंकि अब वो पहले की तरह मुझसे बदतमीजी नहीं करता था बजा तो उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था लेकिन अब उसकी नजरें मेरे पूरे वजूद पर सफर करती थी मैं अब उससे कतराने लगी थी वो चौदह साल का था लेकिन उसकी नज़रों की तेजी किसी बेबाक मर्द जैसी होती जा रही थी एक बार हम रात का डिनर कर रहे थे जब वो खाना खाते हुए मुसलसल मुझे देख रहा था फिर मुझसे कहने लगा कि कामरान मामू को आप मिस तो बहुत करती होंगी मैंने कहा हाँ वो मुझे बहुत याद आते हैं फिर वो मुझे कहने लगा जाहिर सी बात है शोहर के बगैर एक साल गुजारना बड़ा मुश्किल सा अमर है कहाँ आपसे गुजारा होता होगा ये सुनकर तो मैं चौंक सी गई उसने अजीब किस्म की बात की थी मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया फिर मुझे कहने लगा आपके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। उसकी तारीफ मुझे कुछ बुरी सी लगी थी मैंने उसे फौरन से टोक दिया मैंने कहा चुपचाप खाना खाओ बेफजूल मत बोला करो वो हंसते हुए मुझे देखने लगा एक बार मैं किचन में शाम की चाय बना रही थी उसने अकब से मेरे गले में बाहें डाल दी मैं तो अचंभे में आ गई मैंने उसे पलट कर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था कहने लगा मैंने आपको डरा दिया फिर हंसने लगा मैंने कहा यह क्या बदतमीजी थी कहने लगा ये बदतमीजी नहीं थी मुझे आप पर प्यार आ रहा था आखिर आप मेरी मुमानी जो है इसीलिए मैंने कहा तुम जरा मुझसे फासले पर ही रहा करो ना जाने क्यों मैं उसकी नजरों से बदहवास होने लगी थी कहने लगा मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ फिर उसने जेब से एक चॉकलेट निकाल कर मुझे खुद अपने हाथ से खिलाई वो चॉकलेट बड़ी बदमजासी थी क्योंकि वो मेरे मुंह में डाल चुका था इसीलिए मुझे खानी पड़ी लेकिन उसे खाते ही आधे घंटे बाद मेरा सर चकराने लगा मैं अपने कमरे में चली गई मेरे सर के चक्कर शदीद होने लगे मैं वहीं लेट कर सो गई लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश ही उड़ गए रामेश मेरे बराबर में सो रहा था वो यहाँ क्यों आया था और मेरे साथ सोया क्यों मैं तो बुरी तरह से परेशान थी मैंने उसे जगा दिया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा मैंने कहा तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे तो वो बहुत मुतमिन सा था कहने लगा मुझे अपने कमरे में खौफ महसूस हो रहा था इसीलिए मैं यहाँ आकर सो गया मैं उसकी बात सुनकर आग बगोला हो गई मैंने कहा तुम होते कौन हो मेरे पास लेट कर सोने वाले वो कहने लगा मैं बच्चा ही तो हूँ डर लग रहा था मोमानी इसीलिए आपके पास आ गया वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोला मैं उसे क्या जवाब देती एक माह बाद मेरी तबीयत बहुत खराब सी होने लगी मैं जब डॉक्टर के पास गई तो जो खबर उसने मुझे सुनाई मैं चकरा कर रह गई मैं प्रेग्नेंट थी ये सुनकर मेरे होशोहवास गुम हो गए थे मैं रोने लगी थी मुझे सौ फीसद यकीन था कि यह सब रामिस ने ही किया है क्योंकि वही मुझे कुछ ऐसी चीजें खिलाता था जिसके बाद मैं सो जाती थी मेरा जी चाहा कि मैं रामेश को जान से मार डालूं। ये क्या किया था उसने मेरे साथ मैं जब्त नहीं कर पा रही थी क्लिनिक से बाहर निकल मैं अपने गिरते आंसुओं को रोक नहीं पाई थी मुझे लगा किसी ने मुझे अंधेरी खाई में फेंक दिया है मुझे उसकी बातें याद आने लगी कि मुमानी आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं मुझे आपके बाल बहुत पसंद है मेरे जहन में सब आने लगा कि जब भी वो मुझे जूस पिलाता था या बाजार से कोई चीज लाकर खिलाता था तो मुझे कुछ देर बाद ही नींद आने लगती थी और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे बाल खुले होते थे लेकिन उस वक्त तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था मुझे घर के कामों की जल्दी होती थी शायद वो मुझे नशा आवर दवा डालकर देता था तभी मैं अपने होश में नहीं होती थी मुझे उसके जूम आने जुमले याद आने लगे जो वो मुझसे वक्तन फवक्तन बोलता रहता था कि आप तो मामू को बहुत मिस करती हैं मुझे आपसे मोहब्बत है आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है वगैरह वगैरह मैं उस वक्त अजियत में मुबतला थी उसे जरा शर्म ना आई ऐसा घटिया खेल खेलते हुए मैं रोते हुए घर पहुंची थी लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मैं बुरी तरह से हवास बाखता सी हो गई थी मेरे सामने कामलान खड़े मुस्कुरा रहे थे कहने लगे कैसा लगा मेरा सरप्राइज मैं क्या जवाब देती मेरी तो सारी दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी और उसे बर्बाद करने वाला भी मेरे शोहर का सगा भांजा था मैं अंदर आते ही कामरान के साथ लगकर रोने लगी वो समझे कि शायद मैं उन्हें अचानक देख कर दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी वो मुझे दिलासा देने लगे बस करें मुमानी कुछ तो शर्म करें आप अकेली थोड़ी हैं मैं भी तो यही मौजूद हूँ मेरा ही कुछ लिहाज कर लें मैं कामरान के साथ लगी सिसक रही थी जब मेरे कानों में रामे की शोक आवाज पड़ी मैंने बर्चस्ता पलट कर देखा तो हंस रहा था मेरा जी तो ये चाहा कि उसका मुंह नोच लो उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार डालू अगर कामरान आज वापस ना आते तो मैं उसे सचमुच मार ही डालती उस कमीने ने क्या घटिया का मुजाहरा किया था मेरे साथ मैं बहुत बड़े जब्त से गुजर रही थी रात को जब कामरान सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर रामिस के कमरे में आ गई वो अब भी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि इर्द गिर्द से बिल्कुल गाफिल था मैं उसके पास पहुंची तो अब भी वो वैसे ही बेहुदा वीडियोस देख रहा था मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा कि तुम किस कदर घटिया इंसान हो वो मक्कार शख्स ये कहने लगा कि मैंने क्या किया है मैंने कहा तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी उसने वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुस्कुराने लगा कहने लगा ये उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खाऊंगा आप होती कौन थी मुझ पर हाथ उठाने वाली मुझे मेरे कामों से रोकने वाली वो गुस्से से बोल रहा था मैं रोने लगी मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था ताकि तुम बुराई से बच जाओ वो कहने लगा मुझे आप शुरू से अच्छी लगती थी लेकिन जब मामू यहाँ से चले गए तो मेरा दिल बस आपके करीब आने के लिए उकसाता रहता था लेकिन मैं फिर भी आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप हर वक्त मुझे जब डांटती रहती थी मुझे जब आप पर गुस्सा आने लगता था तो आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करती थी और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं बच्चा नहीं था इसीलिए जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ उसके बाद आपने मामू से मेरी शिकायत लगाई मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ इसीलिए आपके साथ मैंने ये डरामा रचाया और आपको बहाने से वो नशे का जूस पिला दिया मेरा इरादा आपके साथ बस एक बार गुनाह करने का था लेकिन मुझे रोज इस चीज की ख्वाहिश होने लगी मेरी नजरें आप पर बदलने लगी उसकी बातें मुझे अजियत में मुबतला कर रही थी इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती राम के कमरे का दरवाजा खोला सामने कामरान गुस्से से बिफरे खड़े थे उन्हें देखकर तो हम दोनों की ही जान निकल गई थी कामरान गुस्से से अंदर दाखिल हुए और रामिस को मारने लगे मैं पहले से ही रो रही थी कामरान ने रामिस को बेतहाशा मारा मैं खौफजदा थी कि कहीं वो मुझ पर भी हाथ ना उठा ले वो मुझे गुस्से से बोले कि तुम अपने कमरे में जाओ मैं वहां से बाहर निकल गई रात भर कामरान मेरे पास नहीं आए थे मैं रोते धोते सो गई सुबह जब मेरी आंख खुली तो कामरान रामिस का सामान बांधे उसे बाहर ले गए फिर शाम को वापस लौटे मुझे कहने लगे कि मैंने रामिस को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया है मुझे माफ कर दो तो, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सगा भांजा तुम्हारे साथ ऐसे भी कर सकता है मैं रोने लगी थी चंद दिन बाद ही कामरान ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया था मुझसे बहुत माफी मांगी उसके बाद वो मुझे छोड़कर परदेश नहीं गए कहने लगे मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैंने दोबारा कभी राम इसकी शक्ल तक न देखी बहुत वक्त गुजर चुका है लेकिन कामरान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब भी उन लम्हों की अजियत आज भी बड़ी शिद्दत के साथ मुझे याद आती है